नमस्कार, शेष भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं फिट भारत प्रोग्राम लेकर। क्योंकि फिट भारत प्रोग्राम का मकसद है कि आप अपने आप को कैसे फिट रख पाएं वो हम आपको बताएं, जिसके लिए आज हम आपको एक योग गुरु से मिलवाने वाले हैं जो आपको वो योग बताएंगे जिसके जरिए आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। साथ ही योग के जरिए आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप कि योग के जरिए आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन रख पाएंगे, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन योग से इसे आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आज आपको योग गुरु से, जो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन रख पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त निष्कर्ष मौजूद है। निष्कर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष भारत पर। और जब निष्कर्ष योग गुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो निष्कर्ष, योग एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपने आप को फिट तो रख ही पाते हैं, लेकिन कई बीमारियों से भी हम निजात पा लेते हैं। आज हम शुगर लेवल कैसे मेंटेन रख पाएँ इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि कई दवाइयां हम लेते हैं, कई एक्सरसाइज हम करते हैं, लेकिन शुगर लेवल को मेंटेन नहीं रख पाते। लेकिन क्या वाकई ये योग से ठीक हो सकता है? जी हर जी, हम इसे बिल्कुल योग के द्वारा डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, बट आपका योग करने का तरीका आपकी बीमारी को सही कर सकता है, गलत तरीका आपकी बीमारी को खतरनाक भी बना सकता है। तो आज हम जानेंगे योग करने का सही तरीका, किस प्रकार आप योग के द्वारा अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो निष्कर्ष, देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि कैसे वो अपने शुगर लेवल को मेंटेन रख पाएंगे, तो योग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे पहला आसन जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, वज्रासन। खाना खाने के बाद आप 5 से 10 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट इस प्रकार बैठने का प्रयास करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जिनके घुटनों में दर्द रहता है वे इस प्रकार बैठने का प्रयास ना करें। ये हमारे डायबिटीज़ के लिए बहुत ही लाभदायक है, जो आपके ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है और आपके डायबिटीज़ को नियंत्रित करने का काम करता है। सेकंड आसन करेंगे हम इसी में, वज्रासन। वज्रासन से आप अर्धोष्ठासन में आएंगे, अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाएंगे घुटनों पर, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। आप सबसे पहले अर्धोष्ठासन करेंगे, अपने कंधों को घुमाते हुए कमर से पीछे मुड़ेंगे। अगर आप इसे आसानी से कर सकते हैं तो आप इसे उष्ठासन में लेके जाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपने तलवों पर रखेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, आराम से इस आसन को करने का प्रयास करें। कुछ समय तक होल्ड करने के बाद धीरे से दोनों हाथ कमर पर रखें और सावधानी से आते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। ये डायबिटीज़ के साथ साथ अन्य रोगों में भी और कमर दर्द वगैरह जैसे रोगों में भी काफ़ी लाभदायक है। इसके बाद हम जानेंगे डायबिटीज़ में और भी लाभकारी आसन जो हमें काफ़ी आराम देते हैं, पश्चिमोत्तानासन। अपने दोनों हाथ लेफ्ट साइड में रखेंगे और अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए बैठ जाएंगे दंडासन में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपकी पोस्चर, आपका शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। शरीर को ऊपर खींचते हुए श्वास को छोड़ते हुए अपना ध्यान अंगूठों पर रखें और सामने की ओर झुकने का प्रयास करें। यहीं पर शरीर को रोकने का प्रयास करें कुछ देर तक, फिर धीरे से ऊपर आते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। इसके बाद हम जानेंगे धनुरासन, जो आपके डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। आप इसमें दोनों हाथ लेफ्ट साइड रखेंगे और पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को मोड़ने का प्रयास करें, दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़े, श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर शरीर को उठाएं। कुछ देर इसी प्रकार रोकने का प्रयास करें, शरीर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें, धीरे से श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापसी आ जाए। इसे 2 से 3 बार रोक कर रखने का प्रयास करें और सामान्य स्थिति में आते हुए मकरासन में लेट जाए। दोनों पैरों को साइड में करें, अपने दोनों हाथों को चिन के नीचे रखें, फेस को साइड करते हुए आंखें बंद। पुनः यहीं से लेफ्ट साइड करवट लेंगे
और शवासन में लेट जाएंगे। आपके डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी आसन शवासन। अपने दोनों पैरों को साइड में करते हुए हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद। अगर आपको शवासन में नींद आती है तो अपने साइड में आप किसी भी ओम का उच्चारण या कोई भी ऐसा साउंड जो आपको शांति प्रदान करता हो ऐसा म्यूजिक चला सकते हैं और उस पर ध्यान लगा सकते हैं। शवासन करते हुए अपने श्वास पर ध्यान लगाने का प्रयास करें और श्वास को नियंत्रित करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए ध्यान लगाएं। कम से कम 1 से 2 मिनट करने का प्रयास करें और इसके बाद लेफ्ट साइड करवट लेके बैठ जाएं। अब हम जानेंगे डायबिटीज में लाभकारी प्राणायाम जो आपके डायबिटीज को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और आपके ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अगर आपका ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो आपकी जान को खतरा उतना बढ़ जाएगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार अपने ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले अनुलोम विलोम करने की विधि। अपने दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा रखेंगे जिसे हम ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। ये बहुत ही आम मुद्रा है जो सभी लोग रखते हैं। अपनी कलाइयों को घुटनों पर रखें और अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि प्राणायाम करने से पहले आपकी श्वास की गति धीमी होनी चाहिए। अपने सीधे हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और अपने अंगूठे के साइड की इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को फोल्ड करें। सिर्फ अंगूठे का और रिंग फिंगर का यूज़ करते हुए अपने अंगूठे से सीधी नासिका को बंद करें और उल्टी नासिका से लंबी गहरी श्वास लें। श्वास को रोकें और अपनी उल्टी नासिका को बंद करते हुए सीधी नासिका को छोड़ें और यहाँ से सीधी नासिका से श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। एक बार दोबारा सीधी नासिका से लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को रोकने का प्रयास करें और सीधी नासिका को बंद करते हुए उल्टी नासिका को छोड़ते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। यह आपका पूरा एक चरण है। इसी प्रकार जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा बार इसे रिपीट करें। कम से कम कोशिश करें कि आप 5 से 10 बार इसे दोहराने का प्रयास करें। धीरे से हाथ हटाते हुए दोनों हाथों की मुद्रा रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्राणायाम के जिसे कहते हैं ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले, श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण प्रारंभ करें। ओम का उच्चारण केवल आपकी बीमारियों को नहीं आपकी मन को शांति भी पहुंचाता है। इसका नियमित रूप से अभ्यास, नियमित रूप से प्रयास आपके शरीर को बहुत ही अच्छा प्राणायाम देता है। तो इसे नियमित रूप से करने का प्रयास करें। आप चाहे मंदिर में पूजा कर रहे हो या सुबह पार्क में बैठे हो, इसका नियमित रूप से प्रयास करें। इसके बाद हम जानेंगे क्लैपिंग थेरेपी। अपने दोनों हाथों को प्रणाम आसन में लाएं और अपनी उंगलियों में दूरियां करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आप इसे दोहराएं तो आपकी हाथ की हथेलियाँ एक दूसरे से पूरी तरह टच होनी चाहिए। आप चाहे तो अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं या ओम का नाम ले सकते हैं। हर बार आपको कम से कम 21 बार
कम से कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बार भी कर सकते हैं। हर ताली पर आपको अपने भगवान का नाम लेना है, तो हम 21 बार दोहराएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि काउंटिंग का ध्यान रखें। ओम 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 ओम। धीरे से अपने हाथों को रोकेंगे और हाथों को रगड़ते हुए अपने प्राणायाम की समाप्ति करेंगे। हाथों में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हुए सबसे पहले अपने चेहरे पर रखेंगे ईश्वर का ध्यान करते हुए। चेहरे पर मुस्कान रखेंगे और धीरे से हाथ सामने की ओर हटाते हुए बहुत धीरे से ईश्वर को प्रणाम करेंगे। आज के दिन के लिए उन्हें धन्यवाद करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और धीरे से अपनी आँखें खोलें। तो निष्कर्ष, ये जो आपने योग बताए हैं, वाकई ये योग निजात दिला सकते हैं शुगर से? जी हर्ष जी, ये कुछ आसन थे हमने जो देखे आपने हमारे द्वारा, ये आपको सिर्फ डायबिटीज से नहीं अन्य रोगों में भी काफ़ी लाभकारी है। ये हर आयु का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन सावधानी के साथ करने पर आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी के अंदर नियंत्रित में करें। बिल्कुल निष्कर्ष, लेकिन एक बात, बुज़ुर्गों को हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों में सबसे ज़्यादा शुगर लेवल हाई होता है और उसको मेंटेन रखने के लिए काफ़ी चीज़ें हम उनसे कहते हैं कि आप पार्क में जाके घूमिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करिए ताकि शुगर लेवल आपका मेंटेन रहे। अब जो योग आसन हमने बताए हैं अपने दर्शकों को वो वाकई बहुत आसान है, लेकिन दो एक ऐसा आसन बताइए जो बुज़ुर्गों को बेहद आसान हो कि वो चेयर पे बैठे बैठे या ज़मीन पर बैठे बैठे, खाट पे बैठे बैठे, जो चल नहीं पाते हों, वो आराम से कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि शवासन तो था ही आपके साथ, इसके बाद हम जानेंगे कि आप घर बैठे, जैसे आप रात को सो रहे हैं या सुबह उठते ही आप दीवार के सारे पैर लटका सकते हैं। किस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से बेड पर या मैट पर लेट जाए, दोनों पैरों को उठाकर आप दीवार के सारे इस तरीके से टिका सकते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट इस प्रकार दीवार के सारे पैरों को रखें। यह आपको डायबिटीज में बुजुर्गों के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह आपके मानसिक तनाव को भी कम करता है और कमर के दर्द के रोगों के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। तो इसका ध्यान रखें कि आप जितनी ज़्यादा देर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा देर करने का प्रयास करें। दूसरा बात करेंगे हम इसमें शवासन की, अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। आप चाहे तो इसमें अनुलोम विलोम या ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। हथेलियों को ऊपर की ओर लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ें। इसके बाद लेफ्ट साइड लेके खड़े हो जाए। अब हम एक और लास्ट आसन जानेंगे कि बुजुर्गों को पश्चिमोत्तान करने में बहुत ही परेशानी होती है, हमने देखा है। तो इसके लिए हम करेंगे जानो शीर्षासन। अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और अपने उधर पर टच करने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा रखें, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की ओर लाओ, कमर को नीचे लाने का प्रयास करें। इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से जहाँ तक आया जाए उतना आने का प्रयास करें। कुछ देर इसी आसन में रुकने का प्रयास करें, फिर श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापसी आ जाए। इसी प्रकार दूसरे पैरों से भी प्रयास करेंगे। अपने पैर को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने लेते हुए शरीर को नीचे की ओर लाएं। शरीर को रोकने का प्रयास करें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लाएं, कमर सीधी, श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापसी आ जाए। तो ये थे हमारे कुछ आसन जो बुजुर्गों के लिए बहुत ही परेशानी है, लेकिन ये 3 आसान आसन है जो हर आयु का व्यक्ति भी कर सकता है और बुजुर्गों के लिए बहुत लाभकारी है। बिल्कुल निष्कर्ष, बुज़ुर्गों के लिए बहुत लाभकारी है, युवाओं के लिए लाभकारी है, और जिसका शुगर लेवल कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो रहा है वो योग
करके शुगर लेवल को मेंटेन कर सकता है। लेकिन आप योग गुरु हैं, अब मैं बातचीत करना चाहूँगा उस बारे में कि आपके कई लोगों से मुलाकात होती होगी पार्क में या फिर घर में आप जाते हैं योग सिखाने या ऑनलाइन भी आप योग को सिखाते हैं, तो क्या कोई दिक्कत होती है कुछ लोगों को, या फिर हम देखते हैं कि योग करने के लिए अगर किसी को सुबह सुबह उठना है तो वो आलकस के मारे नहीं उठ पाता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो योग को लेकर परेशानी भरी हो लेकिन उसका आसानी से सॉल्यूशन आप निकाल देते हैं। जी, तो काफ़ी लोगों को समस्या यह आती है कि वो सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने कि अगर आप नियमित रूप से आप अपनी बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी। तो आप 7 से 10 बजे के बीच में इसका टाइम रखें, अगर इससे पहले कर सकते तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस दौरान कर सकते हैं। ठीक है निष्कर्ष, एक बात और आखिरी में पूछता हूँ, क्योंकि अगर हम शुगर लेवल को मेंटेन रखना चाहते हैं, योग तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें होता है कि सुबह सुबह आपको मेडिसिन लेनी होती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खानी होती हैं, अगर हम इस तरीके का योग कर रहे हैं तो क्या उसके पहले हम कुछ डाइट लें या फिर उसके बाद कुछ डाइट लें, ऐसा कुछ है? आप करने से पहले, ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं कि डायबिटीज़ के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरे को भूख लग रही है, पेट में जलन हो रही है, सुबह उठते ही सबसे पहले तो आपको एक गिलास पानी पीना है फ्रेश होने से पहले। उसके बाद आप जब योग का अभ्यास कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं तो आप जूस वगैरह ले सकते हैं या कुछ एक फ्रूट ले सकते हैं, जैसे एप्पल बनाना वगैरह, जो आपको योग के द्वारा या व्यायाम करते हुए एक ऊर्जा प्रदान करता है। तो बिल्कुल निष्कर्ष ने जो बताया है उसे आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप योग कर रहे हैं, आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है और आपने योग की शुरुआत कर दी है, अगर आपको एनर्जी लेवल कम लग रहा है तो आप वो डाइट ले सकते हैं जो योग गुरु निष्कर्ष इस वक्त बता रहे हैं। तो निष्कर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारे योग बताए कि किस तरीके से इस योग के ज़रिए शुगर लेवल को मेंटेन रखा जा सकता है। तो हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर आपको फिट रहना है तो फिट भारत प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप क्लिक करिए तो आपको फिट भारत प्रोग्राम मिल जाएगा, निष्कर्ष आपको मिलेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन रख पाएंगे, आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। अगले हफ्ते फिर आपके योग गुरु निष्कर्ष आपको बता रहे थे कि किस तरीके से आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं और आप इस बीमारी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। आसान से योग हैं, इस योग को आप घर पर करिए और घर पर जब आप इस योग को करेंगे तो धीरे धीरे आपका शुगर लेवल मेंटेन होने लगेगा, साथ ही आप अपने आप को फिट भी रख पाएंगे। फिलहाल फिट भारत प्रोग्राम लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि कैसे आप अपने आप को बीमारियों से दूर रख पाएं और साथ ही साथ अपने आप को फिट रख पाएं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शिष्ट भारत।